यहाँ पे जो बिस्तर अफराद मौजूद हैं इनका ज्यादातर का ताल्लुक जिना हॉस्पिटल के मुलाजमीन किया है। आप लोगों ने तो आज वो जिना में नहीं इस्तेजाज करना था, उन्होंने हमें धक्के देके वहाँ से निकाल दिया। मसला क्या है, 5 माह से तकरीबन हमें सैलरी नहीं दी जा रही। बच्चों भाई खिला रहे हैं। इसके पास मोबाइल था, बेच के किस्तों पे लिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट अभी भी दे रहा है, उससे उसे अपने बच्चों की रोटी पूरी की है। बच्चे की आंखें इनकी रुदास सुना रही हैं कि वो देखिए इतना हट्टा कट्टा जवान है, रोड पे खड़ा होकर रो रहा है कि मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। 4 माह की तनख्वाह है और तंग इतना करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 70,000 ले लेके लोगों से थक गए हैं, लेकिन अब क्या करें, पास पैसा नहीं है। अमीर लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों से पूछो कितने पत्थर रख के बैठे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन वेस्ट जो स्टाफ है वो सरापा एहतजाज है, और उसकी वजह ये है कि बता रहे हैं कि पिछले 5 माह से इनकी तनख्वाहें नहीं आई, इनके बच्चे भूखे हैं। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करना चाहूँगा कि मजदूर को उसकी उसका पसीना खुश होने से पहले उसकी उजरत दें। अब आप सोचें कि ये लोग जो पिछले 5 माह से वहाँ पर अपनी जो है ज़िंदगी जो है ख़तरे में डाल के वहाँ पे इन्फेक्शन वेस्ट का काम करते हैं, पिछले 5 माह से इनके बच्चे जो है भूखे बैठे हुए हैं, इनके पास तनख्वाह नहीं है। आजकल इस महंगाई के दौर में आप सोचें एक मिनट के लिए कि अगर 5 माह आपकी तनख्वाह ना आए तो आप किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्या मामलात हैं। ये तमाम अहबाब इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर जो है एहतजाज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस का डाला भी आ गया है, वो कभी कुछ देर में कोशिश करेगा इन्हें डिस्पर्स करेगा। मामला है क्या, इनकी कहानी नहीं की जुबानी जानते। अब आपको एक बात बताते चलें कि यहाँ पे जो बिस्तर अफराद मौजूद हैं इनका ज़्यादातर का ताल्लुक जो है सरकारी हॉस्पिटल से है, और जो इसमें अक्सरियत जो है जो कसीर तादाद मौजूद है वो जिना हॉस्पिटल के मुलाजमीन की है। आज सुबह इन्होंने जिना हॉस्पिटल के अंदर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन जब ये वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने गए, इंतजामिया को भी बताने गए कि पिछले 5 माह से हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो बजाय कि इनकी दाद रसी की जाती, इनकी तमाम तर मसाइल सुने जाते, इन्हें वहाँ से धक्के दे के जो है निकाल दिया गया। अब ये प्रेस क्लब के बाहर हैं और यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और इनके यहाँ आने के बाद आप पीछे देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस का एक डाला भी आ चुका है। मामला है क्या, आइए इनकी कहानी इनकी जुबानी जानते। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या ड्यूटीज़ क्या हैं और आप कौन कौन से हॉस्पिटल में जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर हमारी ड्यूटी जो है ना इन्फेक्शन वेस्ट की है, ठीक है, हम हॉस्पिटल से इन्फेक्शन वेस्ट कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम आगे जो है ना जला के जला देते हैं वहाँ पे। मेडिकल वेस्ट जो होती है, मेडिकल वेस्ट जो होती है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है ड्रिपें होती हैं, सिरिंजें होती हैं, मरीज के जो अपना डिस्पोजेबल होती है ना पट्टियाँ वगैरह, वो सारा कुछ होता है इसमें, ये इन्फेक्शन वेस्ट में आता है। ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है, बारा बहुत मुश्किल काम है सर, इन्फेक्शन का काम कर रहे हैं हम सारा, हम मौत से खेल रहे हैं, लेकिन हमें ही वहाँ से धक्के देके निकाल दिया गया है। हमारे मैनेजर फयाज साहब हैं, वो लेके आए हैं सिक्योरिटी गार्डों को लेके आए हैं, और उन्हें ला के हमें बाहर निकाल दिया है। एमएस का जो असिस्टेंट है वो आया, और एमएस ने भी हमारी बात नहीं सुनी, हमारे मैनेजर साहब ने भी बात नहीं सुनी। किस हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं सर? हम जिना हॉस्पिटल में। जिना हॉस्पिटल जी सर। और मसला क्या है? मसला सर ये है कि 5 माह से तकरीबन हमें सैलरी नहीं दी जा रही। 5 माह से? 5 माह से। कैसे खर्चे कैसे चला रहे हैं सर? घर में जब जाते हैं ना तो परेशानियां देके सर बीमार हो जाते हैं हम। इस तरह की सूरत हाल हुई है कि हमारे मीटर काट दिए गए हैं, हमें किराए के मकानों में रहते हैं, हमें किराए के मकानों से मालकों ने निकाल दिया। 5 माह से आपकी तनख्वाह? 5 माह से सर, आधा साल हो गया जी सर। तो 5 माह क्यों काम करी जा रहे हैं, आधा साल आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? हमें धमकियां दी जाती हैं, हमें कहा जाता है कि आपको अगर आप यहाँ पे काम नहीं करोगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, आप हॉस्पिटल में महकमा स्पेशलाइज में किसी भी अदारे सरकारी में काम नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ की धमकियाँ दी जा रही है। पिछले 5 माह से 1 रुपया नहीं मिला? नहीं सर, एक माह की तनख्वाह दी है हमें, वो सारे बिलों में कवर होगी। 5 माह में से एक सैलरी वो कब मिली है? वो सर मिली है सितंबर में हमें। मतलब वो भी आपको मिली होगी फिर जाके, मेरा ख्याल है अप्रैल में जून जुलाई में से किसी एक ही मिली है पुरानी तनख्वाह? जून के महीने की। आपकी तनख्वाह पेंडिंग कितनी है? पेंडिंग सर हमारी 4 तनख्वाहें हैं। 4 तनख्वाहें? और आपकी क्या महाना है, क्या सर? 37,000 सैलरी हमारी, 32,000 दे रहे थे पहले, मतलब दलील करके दे रहे थे, वो भी 9 माह से यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है लाहौर में, 25 जनवरी को काम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद तब से हमें दलील कर रहे हैं, 15 को दे रहे हैं, 5 दिन आगे ले गए, 20 को दे रहे हैं, 35 को महीने के आखिर में दे रहे हैं हमें। आप बता रहे हैं मिली कोई नहीं? जी सर मिली नहीं। कैसे गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? सर मैं मांग के गुजारा कर रहे हैं, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नहीं, हम पैदल ठोकर से पैदल वहाँ पे आते हैं, डेली बेस पे हम वहाँ के जो एमएस हैं
उनको भी बताते हैं, वो कहते हैं हमारा मामला नहीं है, आपकी कंपनी का मामला, आप जाने या कंपनी जाने, ठीक है। इसकी वजह ये सरकारी मुलाजमीन है, ये प्राइवेट टेंडर होता है, ये ना स्पेशलाइज ने इसको, कंपनी ने इसको टेंडर दिया आरआर को, और आरआर जो हमें ये तंग कर रही है अभी, ये हमने सेक्रेटरी से भी पूछा। आप एक प्राइवेट कंपनी के मुलाजिम हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में जाके सर्व करते हैं, ऐसा ही है, तो स्पेशलाइज से पूछा कि हमने, वो कहते हैं हमने चेक इन को दे दिया है, और ये कहते हैं कि स्पेशलाइज में सेक्टर हेल्थ जो है अपना सेक्रेटरी में बैठा हुआ है ना सेक्रेटरी, वो नहीं वहाँ पे बैठा हुआ, उसने साइन करने हैं तो हम आपको तब पे देंगे। यहाँ पे सिर्फ जिनाह हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है, जिनाह के भी हैं और दूसरे डेंटल के हैं और शायद मिटा गया। आप लोगों ने तो आज वो जिनाह में नहीं इत्तेजाज करना था? सर जिनाह में हमने करना था, हमारे मैनेजर साहब गए हैं एमएस का, वो आया गार्ड लेके, उन्होंने हमें धक्के देके वहाँ से निकाल दिया, कह दिया कि अगर आपने काम नहीं करना तो आपका यहाँ पे खड़े होने का कोई हक नहीं है। भी हुआ, फेंटा चेंटा भी पड़ा सर, उन्होंने धक्के मारे हमें, धक्के मार के निकाला वहाँ से। दूसरा सर ये है कि अगर हमने अभी रिजाइन वगैरह नहीं किया ना, इन्होंने हमें टर्मिनेट किया है, तो इनका काम ही नहीं बनता। अगर जब हम सैलरी की वजह से जाते हैं इनके पास, तब ये कहते हैं कि हम, आप वो अपनी कंपनी से पूछें, तब अब इनका हक कैसे हम पे आ गया कि हमको ये धक्के मार के बाहर निकाल दें। तो प्राइवेट कंपनी के मुलाजम है, सैलरी की वजह से हम इनके पास जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। अगर हम एहतजाज की वजह से बात करते हैं, फिर हम ये धक्के बाहर मार के बाहर निकालते हैं। ये देखिए, इन्फेक्शन हुआ हुआ है, हमें मेडिकल तक नहीं दिया जा रहा, मतलब कि कोई इस्तेमाल जुदा सिरिंज लगी है, सिरिंज लगी है सारी से, नाखून निकल गया इसका सारा, ये देखो पांव की हालत देख ले आप, ये इन्फेक्शन हुआ है। मुश्किल काम है ना, उसमें सारे वो सिरिंजेस हैं जो हमें बीमारियों की तरफ से लगी है, शूज दिए हमें, शूज के अंदर से लगी है, ये शूज देख ले आप, स्पेशल शूज दिए हैं, शूज के अंदर से लगी है, इसके पांव की हालत देख ले आप, खुद ही देख ले, इधर आए भाई, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये हुआ क्या, क्या हुआ, कैसे शूज पहने हुए थे काम कर रहे हैं, यही वाले शूज थे जी, तो ये तो बड़े मोटे शूज हैं, ये कैसे लगे, सिरिंज फिर भी चली जाती है, सिरिंज सर ठीक होता है, मतलब कि वो ऐसे आप लेके जा रहे हो, नीचे गिर गई जी, और वो नीचे जाके सीधी आपके पांव में लगी, पांव में लगी, तो उससे वो डॉक्टर के पास गए थे इमरजेंसी, उसे कहा टीका लगा दें, उसने कहा पहले मरीज को लेके आए, उसको हम चेक करेंगे क्या मरज है उसकी, सिरिंज लगी है ना, तो जिसकी वजह से उन्होंने सिरिंज लगी है, उस मरीज को लेके आओ पहले, हम उसका चेकअप करेंगे, फिर आपके आपका इलाज करेंगे। डॉक्टर हमें ये कहते हैं, मैं खुद गया था, मुझे लगी थी, डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है कि जिसकी सिरिंज लगी है आपको, उस पेशेंट को लेके आए थे, ये इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगी है ना, मतलब कि यार आपका मुझे पहले बताएं कि आपके गैजेट्स क्या क्या होते हैं, हाथ में क्या ग्लव्स होते हैं, क्या हाथ में हमारे ग्लव्स होते हैं, यूनिफॉर्म होता है, शूज होते हैं, उसके बाद आयरन दी जाती है हमें, मास्क होता है हमारे पास, ये लेकिन इसके अंदर से भी अगर लग जाए तो रिएक्शन हो जाता है। वो देखे नाजरीन, वो उनके पांव सूजे हुए हैं और बता रहे हैं कि उनका जो है वो नेल रिमूव कर दिया गया है, उन्होंने शूज पहने हुए थे, बता रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट को मैं ले जाते हुए वो एक सिरिंज गिरी और वो जाके पांव पे लगी, तो उनके पांव पे सारा रिएक्शन हो गया, तो मेडिकल की सहूलियत आपको नहीं दी हुई, नहीं दी हुई सर, किसी की छुट्टी भी, कोई भी सरकारी छुट्टी भी नहीं दी, इस तरह के 9 और 10 मुहर्रम की भी छुट्टी नहीं, हमें ईद की भी छुट्टी नहीं है, इतवार जी, इतवार सर, ईद छुट्टी देते हैं, इतवार की भी छुट्टी नहीं होती, जब दिल करता बंद कर देते हैं छुट्टियां, फोन करके वापस बुला लेते हैं, फोन करके वापस बुला लेते हैं, काम करवाते हैं, अगर लड़के कम है, लड़के कम है ना, यहाँ 2-3-4 लड़के आए हैं, तो ये कहते हैं कि आप 2-3-4 लड़के 4-5 पॉइंट करें, जनाब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो 2-4 लड़के कैसे कर सकते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिनाह में ओवरऑल स्टाफ कितना, ये सारा कि जिनाह का स्टाफ 19-20 हां जी 19-20 स्टाफ है, इवनिंग और मॉर्निंग, तो ये सारे तो नहीं आए अभी, नहीं जिनाह के सारे ही हैं, सैलरियां उन्होंने मांगी है, उन्होंने टिकट निकाल दिया, सैलरियां दे दो, मैंने सैलरी की डिमांड की तो मुझे इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, और मुझे दो सैलरी दी, मेरे अभी मेरी पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है, कोई नोटिफिकेशन नहीं देते निकालने से पहले ना, होता है कि कंपनी में नोटिफिकेशन देते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं देते, बस एक बात करते हैं कि जी आपने काम पे नहीं आना, बस यार ये तो आप अपनी जिंदगी मौत के साथ खेल भी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो कामे वाला है कहाँ पे घूमते बाजारते कहाँ पे है, वो विजिट करने आते हैं, हम उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं सर, मौत से खेलते हैं, मौत से नकवी साहब आए थे पिछले दिनों सर, वो बात ही नहीं सुनते, नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनते सर, मैंने जी वो सर मिसाइल बताने थे सर, वो बात नजदीक नहीं जाने देते हमें, नजदीक नहीं जाने देते, गार्ड है एमएस के, गार्ड है वो, अच्छा एमएस के गार्ड, आप लोगों ने नजदीक नहीं जाने, वो जाने नहीं देते उधर, आपके भी वही मिसाइल है, वही मिसाइल है, कितने माह की तनख्वाह बची है हमारी, 4 माह की, 4 माह की, और आपकी भी 37,000 की तनख्वाह, सही है, तो यार कैसे आप शादीशुदा हैं या नहीं है, शादीशुदा नहीं है, फैमिली तो होगी, फैमिली तो है, वालदा है, बहन भाई छोटे छोटे हैं, फिर कैसे कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं भाई, ऐसे गुजारा कर रहे हैं, मौसम मांग लिया, उससे मांग लिया, अब हर कोई देता भी नहीं है, मांग के कितनी देर बंदा मांगेगा,
दुकान वाले से मांगे उधार तो वो कहता है बस भाई पहले पैसे तो जारी करने की वजह क्या बनी आप लोगों ने जाके इंतजामिया से बात की कि उन्होंने हमें धक्के मार के भाई निकाल दिए दौड़ जो जी तो अब आप काम नहीं करेंगे मेडिकल वेस्ट कटा के नहीं करेंगे जी तो फिर कौन कौन करेगा वो डॉक्टर तो मेडिकल वेस्ट नहीं वो कर नहीं सकता जिन्हें जो दूसरा वेस्ट उठा दे रहा है जनरल वेस्ट सर उनसे काम करवा रहे हैं जो आम वेस्ट उठा जी जो जनरल वेस्ट उठा दे यार वो तो कोई हादसा हो जाएगा जिसको सर इसी तरह है उनसे काम करवा रहे हैं वो इन्फेक्शन वाली वर्दियां पहनी उन्होंने जनरल वेस्ट उठा रहे हैं और उठा के जनरल वेस्ट जो इन्फेक्शन वाला वेस्ट है ना वो अंदर जाएंगे किसी मरीज को उनका काम ही ये है वो अंदर रहते हैं सारा दिन वो अपना काम करते हैं किसी मरीज को हाथ लग जाता है इन्फेक्शन हो जाता है कोई जिम्मेदार है उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा वो एचएस वाले हैं वहाँ भेजना में उनसे काम करवा रहे हैं हमें निकाल दिया वहाँ से जिनका ये काम है आपको टर्मिनेट कर दिया या अभी क्या सर कुछ भी नहीं कुछ मार के लिया हमें धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया सर अगर हमारी 37,000 सैलरी है ना तो ये 32,000 दे रहे हैं और 32 भी नहीं पूरा देते ये 32 से भी मिनिमम 37,000 चल रही है लेकिन 32,000 देते हैं उसमें से भी कम देते हैं 32,000 दे रहे हैं हाँ 32 दे रहे हैं और 32 में से भी 30 देते हैं 30-28 क्यों क्या वजह ये कटिंग करके देते हैं क्या क्यों कटिंग आप लोगों की पीपीसी नहीं पूरी आप लोगों ने मास्क नहीं पहना ठीक है आप ये प्लंटी पड़ हमारे मैनेजर हमारे चीजें भी पूरी हों हमारी चीजें भी पूरी हों फिर भी हमें जो पैसे कट करके देते हैं कभी भी सैलरी पूरी नहीं दी आज तक जितने भी लोग खड़े हुए इधर इन सब को कभी भी सैलरी इन्होंने पूरी नहीं दी जब भी दी कट करके दी तो मैं शादीशुदा लग रहे हो मैं शादीशुदा मेरा एक बेटा है तो किस तरह शादीशुदा बंदे का गुजारा ही नहीं मतलब 4 महीने की तनख्वाह मैं बहुत मुश्किल से गुजारा बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ मेरे वाले साहब बीमार हो गए हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं उनके बहुत सी बीमारियाँ उनको अब वो इतनी पर टेंशन में है परेशानी में है वो कह रहे हैं मैं कैसे घर का गुजारा करूँ मेरा छोटा भाई भी इसी कंपनी में काम करता था उनको उन्होंने भी एहतजाज किया उन्होंने कंपनी वालों ने उनको निकाल दिया सैलरी 2 सैलरी दे के फिर निकाल दिया टर्मिनेट कर दिया उनको तो अभी ये एहतजाज के बाद फिर ना वो टर्मिनेट कर दें अब देखे ना अब कंपनी वाले क्या करेंगे हमें सैलरी चाहिए सैलरी के बाद वैसे तो ये होना चाहिए कि सैलरी दें और हमें टर्मिनेट ना करें वो इस वजह से होना चाहिए क्या सैलरी लेना भाई अब जैसा कि देखे हमारे काफी दरख्वास्त ये है कि ये देखें जो इत्तेजाज करता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं वो कह रहे हैं पहले हमारे पैसे दें उसके बाद रखना रखे नहीं रखना ना रखे लेकिन तनख्वाह मांगना कोई जुर्म नहीं है कि आ किसी ने तनख्वाह मांग ली तो आप उसको टर्मिनेट कर दें क्यों जी जी मैं क्रिश्चियन हूँ और बाइबल में लिखा है कि मजदूर का हक जो है ना उसका पसीना सूखने से पहले उसको दिया जाए ये तमाम बाइबल के अंदर लिखा है बताते हैं कि मजदूर की तनख्वाह उसकी पसीने को सूखने से पहले उसकी उसको देना चाहिए लेकिन अब देख सकते हैं आप 4 माह हो गए हैं 5 माह में के अंदर अंदर एक तनख्वाह दी है अब 4 साल होने वाला है जी तो अभी तक सैलरी अगर मांगते हैं तो पहले उन्होंने कहा जी 5 तारीख तक दे देंगे फिर उन्होंने कहा 10 तारीख तक दे देंगे फिर 15 तारीख अब कह रहे हैं 20 तारीख अब हम क्या करें 20 के बाद इन्होंने फिर क्या देना 25 से मांगे तो वो कहते हैं हमारे से बात ना करो वो हेड ऑफिस वाले से बात करो ये उनका सैलरी उन्होंने देनी है एक फखर साहब है वो आए हैं उन्होंने हमें धमकी पे कायदा लगा के हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपने काम नहीं करना तो ठीक है आप फारिग हो कोई पैसा नहीं मिलना कोई कुछ नहीं मिलना सैलरी भी नहीं मिलेगी और आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी शाहजा मैम है हमारे हेड ऑफिस की वो सारे उनसे बात हो मेरी बात हुई है उनसे वो कहती है कि जी आपको ये आगे किसी ने दिया आप स्ट्राइक करो ये तो यार मेरा मतलब दे रहा है मेरा कानून दे रहा है पैसे भी नहीं दे रहे ऊपर से ये मुझे कह रहे हैं कि आपको किसी ने ये हक दिया कि आप स्ट्राइक करो हम अपना हक मांग रहे हैं भीख थोड़ा मांग रहे हैं इनसे कि हम हमें अल्लाह के नाम पे दे दो सर हमारा हक है हम अपना हक भी ना ले पाकिस्तान में यार ये हो रहा है यार 6 माह होने वाले हैं 6 माह होने वाला है यार मैं हैरान हूँ आप लोग किसी और जॉब पे क्यों नहीं स्विच कर जाते सारे एक कंपनी पैसे नहीं दे रही हालात आपके सामने है बेरोजगारी कितनी है सर इसीलिए यार बेरोजगारी है सर मुल्क के हालात देख ले सब लड़के जो अपनी मर्जी से गए हैं तो उन्हें अभी 1.5 महीना हो गया उनको पैसे अभी तक नहीं आए वो रिजाइन खुद करके गए हैं उनकी 3 माह की सैलरी अभी तक उन्हें नहीं मिली और मैंने एहतजाज किया ठीक है उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया कि फखर साहब है यहाँ पे कोई ना हेड ऑफिस में इनके मैनेजर हैं ठीक है फखर साहब उन्होंने मुझे कहा कि यार बंदों को लीड करो बंदों को समझाओ कि ऐसा ना करें आपको सैलरी 2-3 बंदों को या 5 बंदों को दे देते हैं जैसे साइन वगैरह चेक वगैरह मिलता है तो फिर आप सबको दे देंगे ठीक है उसके बाद मैंने लड़कों को समझाया कि यार ऐसा ना करें सर आए हैं चलो आप उनकी बात मान लेते हैं
ठीक है, इन्होंने फिर मुझे टीम लीडर बना के मुझे टर्मिनेट कर दिया। ऐसा होता है क्या? मुझे कहीं क्या बंदों को समझा दे, समझाने में इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया कि यार बंदों को ये खराब कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? रावी रो लेडी बिल्डिंग में काम करते हैं हम। कौन आप? हाँ लेडी बिल्डिंग में। हाँ अच्छा। फिर वहाँ पे तूफान ही आ रहे, 4 महीने हो गए, बहुत परेशान था। फिर दूध वाला तंग आ रहा है, ऊपर चून वाला तंग आ रहा है। फिर वो क्या हुआ बताएं, हिम्मत करें, कोई बात नहीं। फिर बच्चे की चून बताएं, बताएं मैं देख ले परेशानी। अल्लाह रहम कर, हिम्मत करके बताएं क्या हुआ? तनख्वाह नहीं आ रही, लोग परेशान कर रहे हैं। क्या परेशानी? क्या दूध वाला पैसे मांग रहा होगा, बच्चे तंग आ रहा है, परचून वाला तंग आ रहा है, चून वाला तंग आ रहा है, बच्चों भाई खिला रहे हैं। इसने अपने बच्चों को मोबाइल बेच दिया, इसके पास मोबाइल था, बेच के किस्तों में लिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट अभी भी दे रहा है, और उसे अपने बच्चों की रोटी पूरी की है। बच्चे ने मोबाइल बेचा आपने घर का किचन चलाने के लिए, तो आपकी भी 4 माह से तनख्वाह फंसी हुई है। 4 माह क्यों नहीं दे रहे आप लोगों की तनख्वाह? सर मैनेजर, सर ये आप हमें पता करवा के बताए ना, ये क्यों नहीं दे रहे? क्यों? वो खुद तो उनके बच्चे पेट भर के खा रहे होंगे, आप लोगों के बच्चे भूखे पेट हैं। वो एसीओ में खुद बैठे हैं, हेड ऑफिस वाले सारे एसीओ में बैठे हैं। ये लोग गर्मी में इस यूनिफॉर्म में जून जुलाई में इन्होंने काम किया, जब लोग बरीक कपड़े पहन के नहीं फिर सकते बगैर पंखे के, और येलो रूम किसी येलो रूम में चले जाए, ना कहीं एसी है ना कोई पंखा है, पंखे के बगैर एक अक्षर येलो रूम में हम लोग बैठे रहते हैं। वॉशरूम नहीं दिया, वॉशरूम नहीं है, ठीक है। मसाइल इतने हैं कि एक एक मसाइल का हल नहीं कर सकते आज तक, हर बार कंप्लेन है। अक्षर येलो रूम ऐसे हैं जिनमें चूहे भाग रहे हैं, आपको नजर आएंगे, वेस्ट खाते हैं, और ये येलो बैग भरे हुए ऐसे उठाए जाते हैं, उनसे ब्लड गिर रहा होता है, ये लोग खाते हैं। बड़ा बुरा हाल है, येलो रूम एक येलो रूम आपको चेक करवा सकते हैं। ये तो बड़ा परेशान लग रहा है भाई। ये सर जहाँ तक मैं बता दूँ, ये रोज रात को आके घंटा घंटा रोता रहता बैठा अपने कमरे में उधर, जहाँ इसकी ड्यूटी है, इसके ये हालात है पूरे माह से। ये समझ ले एक दिन तो इसने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, ये वो हमने कहा 1 महीने 2 महीने, ये यकम का इन्होंने कहा था कि इस यकम तरीक को फाइनल हम दे देंगे। जब यकम तरीक को हमने अपने मैनेजर से सबने कहा कि ये सैलरी क्यों नहीं, उन्होंने कहा 15 तारीख लास्ट है, अगर 15 तारीख को ना आई सैलरी, आप जो लोग जाएंगे करना चाहें, हम करने लगा। इसीलिए हम कल तक भी हमने वेट किया, 16 तारीख तक, 16 तारीख के बाद हम एहतजाज के लिए निकले हैं। उसकी भी अभी आधे लोग प्रेशराइज हैं इसमें से, जो हमारे साथ रस्ते में से भाग गए हैं, गायब हो गए हैं, उनको इन्होंने प्रेशराइज किया हुआ है कि जैसे जो एहतजाज करेगा हमारे खिलाफ, हम उसके नौकरी से फारिग कर देंगे, FIR करवा देंगे, पैसे नहीं देंगे। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माचल है, एक बेटी दो बेटा। तीन बच्चे हैं, और क्या उम्र है उनकी? छोटे बच्चे हैं ना, वो तो नहीं समझ सकते ये क्या मसाइल चल रहे हैं। किस तरह से फिर समझाते, किस तरह से हैं? 4 माह से तनख्वाह नहीं आई, बड़ा मुश्किल हो गया था गुजारा करना, उधार भी आप पे चढ़ गया होगा। इनकी आंखें दिखाएं जी, इनकी आंखें दिखाएं, इनकी आंखें, इनकी जो है कहानी, इनकी रुदा सुना रही है, इनकी आंखें इनकी रुदा सुना रही है कि वो देखिए इतना हट्टा कट्टा जवान है, मेरा ख्याल है कि 40-45 साल उसकी उम्र होगी, 3 बच्चे हैं, और वो रोड पे खड़ा होकर रो रहा है कि मेरी तनख्वाह नहीं मिल रही। भाई आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, उसको भीख दे रहे हैं, उसका हक देना है उसको, दें उसका हक। अपने बच्चे आप लोगों की लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, और उसके बच्चे जो हैं वो रोटी खाने से हवादार बैठे हुए हैं, उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। 5 माह का मतलब होता है 150 दिन उस बंदे ने काम किया है, लोगों की वेस्ट उठाता रहा, वो खून आपको पता है वेस्ट में खून होता है, ब्लड होता है, मुख्य लोगों को सिरिंज इस्तेमाल हुए होते हैं, वो अपनी जिंदगी मौत हाथ में लिए फेर रहा है, और साथ आप उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे। आप भी क्या मसाइल हैं ये देखें, इनकी भी इनके चेहरे इनकी कहानियां बता रहे हैं। हाँ जी सलाम अलैकुम। आपकी भी 4 माह की तनख्वाह जो है? हाँ जी 4 माह की तनख्वाह है, और तंग इतना करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आके निकले 70,000 ले लेके लोगों से थक गए हैं, लेकिन अब क्या करें, पास पैसा नहीं है। आप भी शादी शुदा लग रहे हैं, बच्चे भी होंगे आपके? जी बच्चे, जारी बात है, बच्चे ख्वाहिशें करते होंगे, फल खाना होगा, स्कूल जाना होगा, 100 मामलात होते हैं। हकीकत बात है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? दिखाएं जी इनकी शक्ल। अमीर लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों से पूछो कितने पत्थर रख के बैठे होते हैं, इनको क्या पता। आप इनसे कोई भीख मांग रहे हैं? नहीं मेहनत की है, मेहनत की बात से मांग रहे हैं। तो ये क्यों नहीं दे रहे? क्या क्या के थक गए हैं, बस लारा दे देते हैं, कभी कहते हैं पहली को आ जाएगी, पहली गई है 5 को आ जाएगी, 5 गई है 10 को आ जाएगी, 10 गई है 15 को आ जाएगी, एंड में 16 तारीख को हम वहाँ पे इत्तेहाज करने लगे। इसी तरह 6 माह गुजर गए, 5-6 माह गुजर गए,
पाँच माह गुजरे हैं। किस तरह मुझे बताएं कि किस तरह गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा यही है, पार्ट टाइम कहीं से कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया, कुछ हो तो उसको घुमा लिया, अपना निजाम चला लिया, यही है। मिले तो ना मिले तो वो भी सारी जड़ी बैठ बैठ के, वो बच्चे घर लड़ते नहीं है, बीवी लड़ती नहीं है की किधर किधर तुम रोज जाते हो, पैसे वहाँ से आ कोई नहीं रहा। हकीकत बात है, लेकिन दूसरी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। कोशिश यही कर रहा हूँ कि दूसरी नौकरी मिल जाए, चलो ये छोड़ दें, लेकिन ये सुनते ही नहीं। आप लोगों के मुतालबात क्या है? तनख्वाह चाहिए? हमें मुतालबात है कि हमें हमें हमारा हक दे दें। और दूसरे नंबर जो ये तड़ियाँ लगाते हैं, वो तड़ियाँ किसी गरीब को ना लगाएं, वरना वो बदुआ गरीब की इनको लगेगी सारी जिंदगी। बच्चे एसी वाली गड्डियां घूमते हैं, हैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸੂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹ ਅਗਲੇ ਮਾਹ ਸਟਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸਕੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ? ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ 9 ਤਰੀਕ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਇਹਨੇ ਭੇਜਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਅਬ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਬ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ। ਆਪਕੀ ਵੀ 4-5 ਮਾਹ ਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? 4-5 ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਘਰ ਹਾਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਕੇ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਘਰ ਮੇਂ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਯੇ ਵੋ ਚੀਜ਼ੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਧਾਰ ਪਕੜ ਕੇ। ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਉਸੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾ ਕੁਛ ਸਰਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਡੇਲੀ ਕਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਰਦਾ ਗਾੜੀਓ ਕਾ ਕਾਮ, ਵੋ 1000 ਰੁਪਿਆ ਡੇਲੀ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਯਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਲਾਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਡੇਲੀ ਕਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰਾ ਸਰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ। ਔਰ ਅਬ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਸੇ, ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ? ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੈਂਟ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿਆ, ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਭੀ ਕਹਾਂ ਰਹਿ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਨੋਬਤ ਆ ਗਈ ਥੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਰਾਇਆ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਸਰ ਮੁਝੇ ਹਫਤਾ ਕੇ ਇਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਦੇ, ਯੈਲੋ ਰੂਮ ਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡੇਲੀ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਇਤਨੇ ਆਪ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆਪ ਜਿਸ ਘਰ ਮੇਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਰਹਤੇ ਹੈ? ਜੀ, ਉਧਰ ਸੇ ਮੁਝੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਸੇ ਰੈਂਟ ਵੋ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਸਰ ਸੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਯੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਸਰ ਅਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਇਧਰ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਯੈਲੋ ਰੂਮ ਮੇਂ, ਮੁਝੇ ਇਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂ। ਤੋ ਆਜ ਮੁਝੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਾਈ, ਜਬ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਧਰ ਕਾਮ ਪੇ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ, ਬਾਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਆਨਜ਼ਾ ਆਈ ਥੀ, वो कह रहे थे जिनके पास लड़कों के पास किराया नहीं है ना, वो यहाँ पे आगे रह सकते हैं येलो रूम में, जहाँ पे इन्फेक्शन वेस्ट होता है सारा दिन, वहाँ पे वो वहाँ पे रात को आपने सोना है, वहाँ भी बैठना है, वहाँ पे खाएं पिए, यहाँ पे आप रह सकते हैं। लिहाजा सैलरी देने की वजह से आप वहाँ इनको ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ पे आप रहें, सैलरी ना देने की वजह से, देने की वजह से कि आप येलो रूम में आप यहाँ पे ना अपना सामान वगैरह लें, यहाँ पे येलो रूम में इन्फेक्शन वेस्ट जमा होती है सारी। अच्छा, मतलब कि पूरे हॉस्पिटल के जो कलेक्ट जनाह से होती है ना, जरासीम के इन्फेक्शन वेस्ट है, वहाँ पे आके ये रखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आके आप रह सकते हैं, सैलरी नहीं दे रहे, बकायदा उनको बता रहे कि आप यहाँ पे आके रहेंगे, पैसे तो जब आएंगे तब आएंगे, और कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले रहे, कोई सैलरी का बता नहीं रहे कब आएगी कब आए नहीं आए। हाँ जी, क्या हाल है जी, आप खरीय से? अल्हम्दुलिल्लाह, अनीस मेरा नाम है। हाँ जी, मैं ननकाना साहब से आया हूँ, जिना हॉस्पिटल से ड्यूटी करता हूँ। मेरे ये मामलात हैं, 4 माह हो चुके हैं, सैलरी नहीं आई। मेरे घर के मामलात ये है, गया मेरे घर दी दा ऑपरेशन है, तो पैसे नहीं दे रहे, तो निडलों वजदिया ने हथा ते जी, जुत्ती नहीं, उन्हें बूट नहीं दिते हुए, दस्ताने नहीं आए। फयाज साहब ने बहुत मुहब्बत असी उन्हें करते, सानू अज उन्हें धक्के मार के सानू बाहर कढ़ दिता है, उन्हें कहा तुसी काम नहीं करना तो निकल जाओ इतों नाल। मैं सैकटरी जरा MS है, वो भी MS के जो बंद ने DMS वो भी ने, उन्हें भी सानू धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। ऑपरेशन था आपकी मिसेज का? डिलीवरी का केस जी सर। हो गया? नहीं होया जी, अभी तक नहीं हुआ। नहीं जी, मेरी बेटी का गले का मसला है, बेटी मेरी का ऑपरेशन होना है, तो पैसे नहीं आ रहे, उनकी वजह तो रुकवाया है ऑपरेशन। आपकी भी 4-5 माह की तनख्वाह जी सर?
यार कोई और काम नहीं, कोई और काम देख लेते यार। मतलब कि आपने 150 दिन यहाँ पे लगा दिया और वो पैसा आपको कोई नहीं दे रहे यार। सर पता होता है सैलरी नहीं मिलनी सी, नहीं आना है सी, पता ही नहीं है सी, फ्रॉड से बुलाया गया। आप ननकाना से आए हैं, यहाँ पे भी कोई रूम शूम लिया होगा? जी किराए से रूम लिया हुआ, उसका खर्चा 10,000 रुपया किराया देने, रोटी भी अपनी खाते हैं, सारा कोई अपने। और बीवी वहाँ पे लग पर चाह बीवी गाँव होती है थोड़ा की, थोड़ा भी यही मसला। हाँ जी सैलरियों का मसला हमारा भी। किस तरह गुजारा किस तरह कर रहे हैं आप? बस मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं, कभी बड़े भाई से, कभी किसी से, कभी किसी से पैसे पेट्रोल पकड़ के ले आते हैं, और खाना वगैरह हम लंगर खाने से खा लेते हैं। लेकिन आते हैं सारों के यही मामला है, और ये यहाँ पे आज इस्तेजाज करने आए हैं। ये देखें साढ़ा हक ऐसे रख, साढ़ा हक ऐसे रख, हमारे मुतालबा हमारी तनख्वाह की अदायगी 5-6 तारीख तक मुकर्रर की जाए। 5-6 तक क्या मुकर्रर की जाए, इनको तो पैसे दे ही नहीं रहे, बता रहे हैं पिछले 4-5 माह हो गए तनख्वाह आ ही नहीं रही, और हर बंदे के अपने मसाइल हैं। कोई बता रहा है कि उसकी बीवी का डिलीवरी का केस था, उसके पास पैसा नहीं है, किसी के घर का सामान जो है किराया नहीं दिया तो उन्होंने बाहर रख दिया, किसी का मीटर काट गए, किसी के बच्चे के दूध के पैसे नहीं है। मतलब ये तमाम के मामला आते हैं। 5 माह का मतलब है कि इन लोगों ने 150 दिन काम किया, और 150 दिन काम करने के बाद भी इन्हें 1 रुपया नहीं मिल रहा। ऊपर से आज इस्तेजाज करने के आए तो उन्होंने ठुड्डे मारे हैं, उन्होंने इनको धक्कम पेल करके इन्हें निकाल दिया। तो ये यहाँ पे मौजूद हर शख्स एक कहानी रखता है, और उनकी जो कहानी है उनकी आंखों से हया हो रही है। हाँ जी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे भी 4-5 माह की तनख्वाह पेंडिंग है? इसी तरह ही सर, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, घर में परेशानी है, 60-70 हज़ार के कर्जई हो गए, किसी से उठा के पैसे, तो इसी तरह गुजारा कर रहे हैं, तो सैलरी नहीं मिल रही। ये अभी आके सैलरी का मसला बढ़ा है कि शुरू से इसी तरह? ये शुरू से इसी तरह, शुरू से इसी तरह। कोई और जॉब कर लेनी थी? और कोई जॉब मिलेगी तो करेंगे, जो मिली हुई है वो उससे जो सा जान छूटे तो फिर ही। ये कितनी खतरनाक जॉब है पहले तो ये बताएं। हमें सैलरी दे दे हम छोड़ देंगे, हम साइन लेटर देख देंगे अपना। हमें सैलरी, आपको सैलरी दे, आप कह रहे हैं खत्म, हमने आगे काम ही नहीं करना, खत्म कर देंगे। ये काम है कितना खतरनाक? ये बताएं। बहुत खतरनाक काम है ये, बताएं थोड़ा सा। ये इन्फेक्शन वेस्ट होता है, ये ड्रिप होते हैं, नीडल होती है, इंजेक्शन होते हैं, इसमें जान भी जा सकती है। पेशेंट का 100 मसले मसाइल होता है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या होती है, वही निडल हमें लगती है तो हमें भी उसके जरासीम सारे हमारे अंदर आ जाते हैं, उसकी बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। हमें यहाँ तक कि इन्होंने मेडिकल भी नहीं दिया हुआ। इन्फेक्शन भी होता है? इन्फेक्शन भी हो जाता है। एक दो लड़के को हुआ जी, इन्फेक्शन हुआ लड़कों को, एक तो अभी आया नहीं है, वो उसका इधर लगी है, तो उसके मतलब के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ पड़ा, उससे चला भी नहीं जा रहा। ये तो दरबार क्या मुतालबा क्या है पंजाब देख रही है आपको बताएं जरा। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा हक हमें दे दें, ताकि हमारे घर के भी, मेरी वालदा को अभी पिछले दिन अटैक हुआ है, हेड ऑफिस आए हैं जो ऑफिसर हैं उन्हें भी बताया है, वो सुन के चले गए हैं बस, जो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इनके मुतालबात यही हैं, वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल हमारी जो है ना तनख्वाह दे दें, आपकी मेहरबानी है। यहाँ पे मतलब कि वो भाई जो हैं वो हमारे मसीह ब्रदर थे, उन्होंने भी बताया कि बाइबल में भी इस हवाले से जो है लिखा गया, और हमारा जो मज़हब है इस्लाम उसमें भी बार बार इस चीज़ की तलकीन की गई है कि जो मेहनत कर रहा है, जो मजदूर है, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत उसकी दें। ये तमाम लोगों के बच्चे जो हैं आवाज़ आ रहे हैं यार, रोटी खाने से आवाज़ आ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोटी खाने के पैसे नहीं है, मीटर काट के इस महंगाई के दौर में पिछले 5 माह से इन लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। हुकूमत पंजाब से मरियम नवाज से बस दरख्वास्त करते हैं कि ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये आज यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हुए हैं, ये बता रहे हैं हम जिना हॉस्पिटल में इत्तेजाज करना चाह रहे थे, वहाँ हमें मारा गया, तशद्दुद किया गया, वहाँ से हमें धक्का पेल करके निकाल दिया गया, और हमें पिछले 5 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। तनख्वाह मांगते हैं तो आगे से बदमाशी करते हैं, आगे से कहते हैं कि जाओ जहाँ जोर लगता लगा लें। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सिस्टम है, ये मुल्क है, ये कोई जंगल नहीं है कि जहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी के साथ, किसी भी अपने मुलाजिम के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती कर लेगा और कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। इन लोगों ने काम किया है, और इनकी जॉब बड़ी टफ है, मतलब कि इन्फेक्शन वेस्ट, मेडिकल वेस्ट का ये काम करते हैं कि मतलब कि पूरे हॉस्पिटल में जिस भी सिरिंज का इस्तेमाल होना है वो इन्होंने जाके उसको वेस्ट करना है। किसी भी वहाँ पर कोई ब्लड बैग या कोई किसी किस्म का भी वहाँ पे कोई मेडिकल इस्तेमाल होगा उसकी वेस्ट उन्होंने करनी है। तो बहरहाल ये बड़े मुश्किल मामलात हैं, ये हुकूमत पंजाब को इस वक्त देख रहे हैं, इनकी दाद रसी की जाए, इनकी तनख्वाहें कह रहे हैं हमें हमारी मेहनत की मजदूरी दें, हमें आगे नहीं रखना, कोई मसले वाली बात नहीं है। हालाँकि कोई तनख्वाह मांगना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? तलहा। आप कौन से हॉस्पिटल होते हैं? डेंटल में। डेंटल में, पंजाब डेंटल में। तो आपका भी यही मेडिकल बेस का काम है? हाँ जी। आपकी कितने माह की तनख्वाह है? 4 माह की सैलरी नहीं आई। 4 माह की। क्या मामला है? शादीशुदा है आप? हाँ जी। एक बच्ची है मेरी। एक बेटी है माशाल्लाह। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? बस इस तरह ही है, किसी से मांग लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। दुकानदार के, किराएदार के हर मामला बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। दूध के पैसे देने होते हैं, इलेक्ट्रोजन लाना होता है, पैंपर लाने होते हैं, हर किस्म के खर्चे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। 4 माह से बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, किसी किस्म के मामला नहीं मिल रहे। आजकल तो महंगाई का दौर है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बाइक बेची है मैंने तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं। कावासाकी बेटी मैंने इधर मकलोर रोड पे। आपने बाइक बेची थी? 82,000 की बाइक थी, 40,000 रुपये की मैंने बेची है। क्यों? पैसे नहीं थे, सैलरी नहीं थी, किसी किस्म के मामला नहीं थे। बाइक बेच के मैंने अपना मामला सीधे किया है, बिल था घर का, किराया था। अगले महीने क्या करेंगे? अगले महीने देखें, कह रहे हैं 15 तारीख को आएगी, 15 तारीख को नहीं आई, आज 16-17 हो गया। आज सुबह जब आप जिनाह के बाहर गए थे पहले? हाँ जी। वहाँ पे मतलब कि धक्के बेल भी थे। इन्हें धक्के मारे हैं सारा। बदतमीजी से हमारे साथ बात की उन्होंने, ये नहीं मोहब्बत से बात की, बदतमीजी के साथ बात की है। बात करके ये नहीं कि तब ही की, सुबह फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्होंने कहा आप इधर से चले जाओ। हमारे जो वर्कर है, हमारे दोस्त है, चले जाओ, नहीं यहाँ से निकल जाओ। हाँ जी? ये बात की है, यहाँ से निकल जाओ। अजमल साहब है, असिस्टेंट है शायद कोई एमएसके असिस्टेंट है, वो हमें बोल दिया कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। पुलिस का डाला आया था, ये क्या कह रहा था सर? ये कह रहे थे हमें कि हमारे साथ चलो, हम किसी से आपकी बात करवा देते हैं। तो सर बात करते हुए तो हमें पहले 5 माह हो गए हैं, हम किस किस से बात करें? तो आप सर अपना हक लेने के लिए आए हैं, ये कह रहे सिर्फ 2 बंदे हमारे साथ आ जाओ, सबको घर भेज दो। दो बंदों को जाके पता लगे FIR दे दे। FIR देंगे, यही चीज है ना। हाँ। दो बंदों को लेके जा रहे हैं, बाकी कहते हैं बाकी सबको घर भेज दो। सर हम ड्यूटी पे, हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आपके सामने है, हम ड्यूटी पे आए हैं। और मुझे बताएं कि इस तरह के हादसे किस तरह कितने हो जाते हैं? जिस तरह वो बंदा दिखा रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो गया, क्या इस तरह बेस पे हमारे 2-4 लड़के लाजमी इंजर्ड होते हैं? तो उसी हॉस्पिटल में कोई आपको कोई दादरसी की जाती है, कोई चेकअप? सर कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हमारे मैनेजर साहब को बताते हैं, वो कहते हैं कि जाके टेटनस का टीका लगवा दो। सर आपको पता है हॉस्पिटलों में जाए ना तो इतनी लंबी कतारें होती है, कतारों में लाके पहले पर्ची बनवाओ, पर्ची बनवा के फिर बाद में जाके टीके लगवाओ। और टीके लगवाने जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि जी पहले मरीज को लेके आओ, जिसको जिसका इंजेक्शन है, पहले उसका मुआयना करें कि उसको क्या बीमारी थी, फिर आपको इंजेक्शन लगा। कैसे पता लगेगा किसका इंजेक्शन लगा? सर ये तो हमें हमें भी नहीं समझ आ रही, इंजेक्शन पता नहीं कितनी देर से पड़ा होता है। हमने वो 2 दफा उठाना होता है, एक सुबह को उठाना होता है, एक दोपहर को उठाना होता है, फिर शाम को। अब मरीज कहाँ से ढूंढे? यही बात है ना, वो कहते हैं नहीं मरीज लेके आओ। मेडिकल वेस्ट में क्या क्या होता है? सर मेडिकल वेस्ट में ड्रिपे होती हैं, सिरिंजें होती हैं, पट्टियाँ वगैरह होती हैं, मरीज का जो डिस्पोजेबल सामान यूज होता है, पैंपर वगैरह, इस तरह की चीजें होती है, प्लेसेंटा वगैरह भी होता है उसमें। और कोई भी चीज लग गई तो इन्फेक्शन है सर, टोटली इन्फेक्शन है। मरीज को ढूंढ के लाओ, ये चीज कह रहे हैं हमें। पुलिस वालों ने आपको कोई आगे थ्रेट व्रेट तो नहीं किया? मैं देख रहा था आप लोगों को समझा रहे थे, पता नहीं कुछ सर, वो यही बात कर रहे थे कि ये 2 लड़के आओ हमारे साथ, हम आपकी बात करवा देते हैं। तो आप जाके देख ली चाहिए, आपकी बात ही करवा दे सर। 2 लड़के हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे तो हमारी पूरी टीम खड़ी है, आप जाके वहाँ पे बात करें। हाँ सारे लड़के जाए, हमारी बात अगर किसी ने करनी है तो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आके करें। नवाज साहब सुन रही होंगी, आप अपील करते सर, ये हमारे मुलाजमीन है, आवाम के मुलाजमीन है, ये जो ऊपर बैठे है ना, ये आवाम के मुलाजमीन है, हम इनके मुलाजम नहीं है। हमारा हक है, ये हमें जवाब दे भाई, हमें 4-5 माह से क्यों सैलरी नहीं दे रही है? आप भीख तो नहीं मांग रहे? भीख नहीं मांग रहे सर, अपना हक मांग रहे हैं। ये देखे वो बंदा रो रहा था, ये पुलिस वाले आपने अभी खुद देखा है किस तरह आगे हमें पास बुला के बात कर रहे हैं। सर उन्हें हमारे पास आना चाहिए, आवाम है सर, हम